हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में ए ई डब्ल्यू के पेपर व्यू डबल और नथिंग पे अपना रिव्यू पेश करूंगी जो कि फाइव इयर्स एनिवर्सरी पेपर व्यू था तो कौन कौन से थे यहाँ मैचेस एंड उनके क्या रहे रिजल्ट्स जानने के लिए पूरी वीडियो वॉच करें तो चले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं डबल और नथिंग में किक ऑफ शो में डियाना डिना थंडर रोजा का मैच बिगिन होता है मैच वॉज एब्सोल्युटली गुड न्योना प्रादो गुड परफॉर्मेंस देती है एंड एंड ऑफ द मैच ये मैच विन कर लेती है एंड थंडर रोज आज शौक रह जाती है सो लेट्स सी कि न्योना प्रादो के साथ आगे क्या होता है डबल और नथिंग में फर्स्ट मैच रोडिक्स स्ट्रॉन्ग वर्सेज विल ऑफ ब्रेक ऑफ दी ऑल इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए बिगिन हुआ मैच वॉज एब्सोलूटली गुड एंड ऑफ द मैच विल ऑफ पे रोडिक स्ट्रॉक पे पिन करके विक्ट्री पिकअप कर लेता है एंड बन जाता है दी न्यू ऑल इंटरनेशनल चैम्पियन देन एडम कोल एंट्री करता है एंड एडम कोल रिंग में आकर कहता है कि नाउ मैं रिकवर हो चुका हूँ एंड जल्द ही मैं रेसल करने वाला हूँ एंड मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आई एम बेस्ट इन दी वर्ल्ड एंड नाउ अब मैं सबको बताऊँगा कि डेविल होता क्या है एंड ये कहकर एडम कॉल डेविल मास्क निकाल लेता है एंड यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि अब क्या होने वाला है एंड होता भी यही है कि देन सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं एंड देन एक रूम दिखाया जाता है जिसमें एडम कॉल एंड एम जे एफ की पिक्चर टोर की हुई होती है एंड देन एम जे एफ रिटर्न करता है एंड यहाँ पे जब एम जे एफ रिंग में एंट्री करता है तो एडम कॉल सरप्राइजली एम जे एफ को हक करने के लिए कहता है एंड एम जे एफ एडम कॉल को हक कर भी लेता है बट देन एडम कॉल को हिट कर देता है एंड देन माइक लेकर कहता है कि मैंने एडम कॉल को वो दिया था जो मैंने कभी किसी को नहीं दिया एंड वो था ट्रस्ट बट एडम कॉल ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया एंड मैं सबको बताऊंगा कि मैं बेस्ट क्यों हूँ देन मैच डेथ ंगलिस बैंग बैंग गैंग का फार्दी चैंपियनशिप के लिए मैच विघन होता है जिसमें एंड ऑफ द मैच बैंग बैंग गैंग अपनी टोरेस्ट चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं देन टोनी स्ट्रॉम वर्सिसना डीप का फॉर फार्दी एब्ल्यू विमेन चैम्पियनशिप के लिए मैच विगन होता है जिसमें एंड ऑफ द मैच टोनी स्टॉम अपनी चैम्पियनशिप को रिटेन कर लेती है देन फोर्थ मैच ऑरेंज कैस्टी वर्सिज फ्रंट का विगेन होता है जिसमें एंड ऑफ द मैच ऑरेंज कैफ डी रोलर पिन के जरिए विक्ट्री पिकअप कर लेता है एंड इस मैच में ऑल वेपन्स अलाउ होते हैं एंड एंड ऑफ द मैच बिग बिल एंड एक न्यू कमर की इंटरफेरेंस की वजह से क्रिफ चेयर को शबाटा पे पिन करके विक्ट्री पिकअप कर लेता है टिस्टा का एलिनेटर मैच बिगेन होता है होने के बावजूद गुड परफॉर्मेंस देता है बट यहाँ पे कन्ूसी टकिस्टा जॉन मार्क्सली के इंजर्ड होने का बहुत फायदा उठाता है एंड जॉन मार्कली को डोमिनेट करता है एंड ऑफ द मैच कूसी टकिस्टा रिंग से निकाल कर रिंग में फेंकता है And then, जैसे ही रिंग में आता है तो यहाँ पे जॉन मार्क्सली अपने का कर करता है है को दी स्टील कर देता है, and अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट अटैम्प करके विक्ट्री पिकअप कर लेता है एंड एलिमिनेटर मैच में जॉन मार्क् विनर रहता है then, मलिका ब्लैक का फॉर दी एन टी चैंपियनशिप के लिए मैच बिगेन होता है मैच वॉज एब्सोल्युटली गुड ये मैच इन साइड स्टील केज बारबेड वायर मैच था एंड स्टील केज के ऊपर बारबेड वायर लगे हुए थे ताकि कोई भी सुपरस्टार स्टार स्केप ना कर सके इसलिए इस मैच में ओनली विया सबमिशन एंड विया पिनफॉल ही विक्ट्री पिकअप कर सकते थे एंड ऑफ द मैच होता यह है कि स्टील केज का डोर ओपन होने से एडम कॉपलैंड बाहर गिर जाता है बट यहाँ पे चूँकि इस केप से विनर नहीं हो सकते थे सो तो ये मैच कंटिन्यू रहता है एंड देन यहाँ पे हाउस ऑफ ब्लैक भी आ जाते हैं एंड देन हाउस ऑफ ब्लैक मिलकर एडम कॉपलैंड पे अटैक करते हैं

इस मैच में जब विलुनाइट एंगल मर्सिडीज़ मने को अपना फिनिशर टाइम करती है तो एफ का ध्यान स्कूटली हैथवी एंड क्रिस टैंड की तरफ होता है एंड देन मर्सिडीज़ मने अपना फिनिशर टाइम करके विक्ट्री पिकअप कर लेती है एंड बन जाती है दी न्यू टीबीएस बी चैंपियन देन आफ्टर दी मैच क्रिस टैंड स्कूटली हैथवी को धक्का देती है एंड कहती है कि तुम विलुनाइट एंगल से दूर रहो

उन्हें देख लेता है एंड उन्हें रिंग साइड से इजक कर देता है एंड अपना फिनिशर टैंकर करके विक्री पिकअप कर लेता है एंड अपनी चैम्पियनशिप को रिटेन कर लेता है देन मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग द दीट वर्सेज एब्ल्यू टीम जिसमें ब्रायन डैनसन डर्बी एलन एंड एफ टी आर शामिल होते हैं इनका एट मैन टैग टीम मैच बिगे होता है एंड ये मैच एक्शन से भरपूर होता है एंड यहाँ पे सभी सुपर एक साथ रिंग में अलाउ होते हैं एंड नो डिसकेशन मैच होता है एंड इस मैच में सब कुछ अलाउ होता है एंड ऑफ द मैच ब्राइन डैनिसन अकेले ही यंग एंड एंडिज का ओकाडा के साथ फाइट करता है बट नंबर स्कीम की वजह से कुछ कर नहीं पाता बिकॉज द इलीट ने पहले से ही डरबी एलन एंड एफ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया होता है एंड देन ब्राइन एंसन को अपना फिनिशर टाइम करते हैं एंड देन इस तरह से ब्राइन एनसन पे पिन करके दिट ये मैच विन कर लेती है एंड यही पे शो ऑफर होता है तो आपको डबल और नथिंग पेपर व्यू कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे आइकन प्रेस कर दे एंड कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा तो तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्थी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज गुड बाय